हेलो दोस्तों, एमबीटी न्यूज़ सी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बता दें कि इस बार का दीपावली जो 2023 में जो दीपावली जो कि पड़ा हुआ है, यह एक अद्भुत दीपावली है। इस यह जो कि अमावस्या जो कि 2 दिन का जो कि लगा हुआ है, और इस अमावस्या के दिन मध्य रात्रि से ठीक जो कि आधे घंटे पहले जो कि एक मुट्ठी धनिया अगर जो कि आप अपने घर के जो कि पूजा गृह में जो कि रखते हैं, जहाँ पूजा जो कि करते हैं, वहाँ जो कि एक मुट्ठी धनिया लेकर के रख देते हैं लाल कपड़ा में जो कि बांध करके, तो इससे जो कि आपके पास जो कि कुबेर का जो धन राशि जो कि होता है, कुबेर का खजाना होता है, उससे जो है कि आपको बहुत लाभ जो कि मिलता है, उससे जो कि प्रभावित होता है। कुबेर देवता एक ऐसे देवता है जो देवताओं में धन का देवता जी की जिसे कहा गया है जी। ऐसे तो लक्ष्मी पूजा जो है कि इसमें जो कि मनाई जाती है, लेकिन सभी धनों का जो है कि राजा और धनों का जो है कि मेन जो है कि देवता है वो है कुबेर। और कुबेर भगवान को जिन्होंने खुश कर लिया तो वह जिंदगी में कभी जो है कि दुख नहीं होगा उनको, और वह माला माल जो है कि हमेशा रहेंगे। दोस्तों हम बता दें कि इस बार का दीपावली में जो कि डबल 2 दिन का जो कि अमावस्या है, और फर्स्ट अमावस्या के दिन जो कि आप मध्य रात्रि में एक मुट्ठी धनिया जो कि रखते हैं तो आप जो कि माला माल जो कि हो जाएंगे। दोस्तों वास्तु शास्त्र और जो कि गरुड़ पुराण में ऐसी अनेकों जो कि पौराणिक जो कि कथाएं जो कि मिलती हैं, जिसकी वजह से लोग जो कि यह देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह होती है कि अपने अपने राशि के अनुसार वो व्यक्ति जो कि रखता है तभी जाकर के उसमें लाभ होता है। तो सिंह राशि वाले और जो कि कन्या राशि वाले फर्स्ट जो कि दिन जो कि रखेंगे, और बाकी जो कि जो राशि वाले हैं वो लोग जो कि सेकंड जो कि अमावस्या के दिन जो कि धनिया जो कि रखेंगे अपनी पूजा गृह में। तो दोस्तों इसमें जो है कि आप जो है कि हमेशा जो कि माला माल जो कि हो सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी और जो कि कुबेर देवता जो है कि वह प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के साथ साथ जो कि लाभ मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि यह जो अमावस्या का दिन है, इसमें जो अमावस्या हो गया ग्रहण का दिन है, इसमें जो कि बहुत सिद्धि वाली जो कि यह दिन होती है। इसमें जो कि हर जो कि सिद्ध करने वाले लोग जो कि अपना सिद्धि प्राप्त करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। और यह जो कि एक ऐसा जो कि त्यौहार जो कि आ चुका है, जिसको लेकर के आप जो कि थोड़ा सा तनिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और चुपके से सिंह राशि और कन्या राशि वाले चुपके से कोई ना जाने, अब किसी को जानना नहीं चाहिए, और चुपके से वह जो कि एक मुट्ठी धनिया लेकर के और जो कि अपने पूजा स्थान पे जो कि रख दें, उसके बाद से पूजा स्टार्ट करें। आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों इसमें बहुत जो है कि तमाम तरीका के जो कि इसमें जो कि वास्तु शास्त्र से और जो कि गरुड़ पुराण से जो कि निकल कर जो कि खबर जो कि लोग जो कि बताते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा के साथ साथ जो कि कुबेर बाबा का भी जो कि पूजा जो कि करना चाहिए, इससे जो कि अत्यंत जो कि क्षणिक जो कि तुरंत जो कि लाभ जो कि मिलता है, और यह लाभ जो कि आपको हमेशा जो कि मिलता रहेगा। एक साल के बाद तो फिर जो कि अमावस्या जो कि आता है, जैसे दीपावली के दिन जो कि अमावस्या आता है, तो हर बार जो कि नक्षत्र जो कि बदलती है। इस बार जो कि कुछ नक्षत्र जो कि ऐसे हैं जो ग्रहों पर जो कि राशियों पर जो कि बहुत जो कि प्रभाव डालती है, और इसमें जो कि अनेकों जो कि सफलताएं जो कि मिलने के चांसेस जो कि बढ़ चुकी है। तो इसमें जो कि अनेकों उपाय हैं, जैसे आग के पत्ते पर जो कि श्री राम लिख करके और अपने पूजा गृह में रखते हैं, तो उससे जो कि हनुमान जी की जो कि आपको बल प्राप्त होता है, हनुमान जी का जो कि सिद्धि जो कि प्राप्त होता है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, सिर्फ जो कि एक मुट्ठी धनिया आप पूजा गृह में जो कि अमावस्या के मध्य रात्रि के ठीक आधा घंटा पहले जो कि आप रखते हैं, और मध्य रात्रि में जो कि आधा घंटा बाद जो कि पूजा स्टार्ट होती है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक और जो कि इसके साथ साथ जो कि बात है कि माता लक्ष्मी को और जो कि कुबेर बाबा को जो कि पूजा करने के लिए
पीले जे की वस्त्र में जे की मूर्ति को लपेट करके जे की रखने की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ जे की पीले पकवान और पीले जे की मिष्ठान का जे की भोग लगाना चाहिए, जैसे लड्डू हो गया और उसमें जे की जो भी जे की चीनी का जे की बनाया हुआ जे की गणेश जी का मूर्ति हो गया, लक्ष्मी जी का मूर्ति हो गया, जो भी मूर्ति रखते हैं वह जे की पीले आकार का होना चाहिए, तो इससे जे की आपको जे की बहुत लाभ मिलता है। ऐसे जे की बताया जाता है कि धनतेरस के दिन जे की झाड़ू खरीदना, और जे की कोई जे की धन राशि धन जे की खरीदते हैं जैसे कि सोना चांदी आभूषण जे की जो भी खरीदते हैं, तो यह एक प्राकृतिक रूप से जे की हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो नक्षत्र के हिसाब से जो काम जे की होता है तो उसको जे की बहुत बखूबी और बहुत ध्यान पूर्वक जे की करना पड़ता है। जैसे कि आप जब धनिया लेकर के जा रहे हैं रखने के लिए, तो यह ध्यान रहे कि कोई देखे ना, और कोई जे की देखे ना इसको, और आप ही इस चीज को जाने, और जे की आप ले जा करके जे की धनिया जे की पूजा गृह में गणेश जी और लक्ष्मी जी और कुबेर बाबा का जे कुबेर बाबा का जे कि उसमें या तो आप फोटो लगाएं या जे कि मूर्ति स्थापित करें, लेकिन इसमें जे कि करना जरूरी होता है, क्योंकि इस बार का नक्षत्र कुछ ऐसी दिशा में जे कि काम कर रही है जो हर प्रकार से हर ग्रह को हर जे कि नक्षत्र को लाभ पहुंचाने वाला जे कि यह अमावस्या है, और यह जे कि सदियों बाद जे कि डबल नक्षत्र अमावस्या जे कि आती है, जैसे कि दो दिन का लगातार जे कि अमावस्या होना, यह जे कि बहुत मुश्किल घड़ी से जे कि निकल के आती है, क्योंकि यह बार बार नहीं लगता है। तो इसमें जे कि जो भी व्यक्ति रखते हैं धनिया, उसको जे कि मालामाल होने से कोई नहीं रोकता है, और कोई जे कि नहीं रोक पाएगा। यह जे कि थोड़ा सा टाइम लगे आपको पूजा सामग्री जे की सेट करने में, इससे जे की ध्यान रहें कि सभी जे की चीज वस्तु को जे की कोई ना कोई देखे, इसलिए कोई बाध्य नहीं है, लेकिन धनिया जब रख रहे हैं तो वह जे की कोई ना देखे। ग्रंथों के हिसाब से बताया गया है कि आज ही के दिन जे की भगवान श्री राम जे की लंका पर विजय प्राप्त करके जे की अयोध्या आए थे, जिसके वजह से दीपावली जे की मनाई जाती है। तो यह कथन जे की सत्य है, लेकिन इस कथन के साथ साथ जे की कहीं भी आप देखिए कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर बाबा का ही जे की पूजा होता है, उसमें जे की राम जी का पूजा क्यों नहीं होता है। राम जी का पूजा करने वाले जे की करते हैं, लेकिन मान्यता जे की इन्हीं दो देवताओं को मिली है, जैसे कि गणेश जी का